नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अपडेट जो है वो आज आ रही है, न्यूज़ शिक्षकों से संबंधित है और अन्य शिक्षा जगत से संबंधित भी खबरें जो है वो सामने उभर के आ रही है। नव सृजित 70,000 स्कूलों के नाम बदलेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सूबे के स्पष्ट रूप से लिखा है कि 70,000 नव सृजित जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके नाम बदले जाएंगे। जुलाई के बाद शुरू होगी स्कूलों के नाम में बदलाव करने की यह प्रक्रिया। नव सृजित उत्क्रमित के बदले राजकीय देशभक्तों के नाम, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े बदलाव जो है वो नव सृजित 70,000 स्कूलों के नाम जो है बदलने की बात जो है वो कही जा रही है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि इसकी तैयारी की जा रही है, क्रमवार स्कूलों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी जिलों से ऐसे स्कूलों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है, आप देख सकते हैं लिखा है। सूबे के देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि 70,900 प्राथमिक विद्यालयों के नाम बदले जाएंगे, इनमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी शामिल हैं। इन स्कूलों के नाम नव सृजित और उत्क्रमित के बदले राजकीय या देश और राज्य के देशभक्त महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के बाद इसी साल इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद स्कूलों के नाम की ई शिक्षा कोश और यू डायस पोर्टल पर एंट्री कर दी जाएगी और स्कूल उसी नए नाम के साथ जाने लगेगा। शिक्षा विभाग भागलपुर समेत देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है उत्कृष्ट विद्यालयों की जानकारी लेने में जुट गया है विभाग। शिक्षा को बढ़ावा देने और आम लोगों तक देख सकते हैं सुलभ शिक्षा बनाने के लिए ये काम जो है वो किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिहार के 70,900 विद्यालयों के नाम बदले जाने की तैयारी जो है वो जोरों पर है। क्रमवार स्कूलों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी जिलों में ऐसे स्कूलों की विस्तृत जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। ये अपडेट जो है वो आ रही है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। और आगे लिखा है कि जांच को हाजिर नहीं होने वाले नियुक्त शिक्षक फर्जी घोषित होंगे। 420 शिक्षकों को जांच समिति के समक्ष हाजिर होने का अंतिम मौका। 435 नियुक्त शिक्षक जांच की जद में, देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे कि 435 जो है नियुक्त शिक्षक जाँच की जद में है। ये सभी वैसे नियुक्त शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे। भौतिक सत्यापन में नहीं आने वाले 420 नियुक्त शिक्षकों को एक मौका और दिया गया। ऐसे नियुक्त शिक्षकों को जांच समिति के समक्ष 10 अप्रैल से दे सकते हैं 15 अप्रैल तक, यहाँ पे लिखा है कि दरअसल सक्षमता परीक्षा में शामिल नियुक्त शिक्षकों में से 1,151 नियुक्त शिक्षक बीटीईटी सीटीईटी एसटीईटी के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। आप सभी को बता दूं कि जांच को हाजिर नहीं होने वाले नियुक्त शिक्षक फर्जी घोषित कर दिए गए हैं और लिखा है कि 435 नियुक्त शिक्षक जांच की जद में हैं। 420 शिक्षकों को जांच समिति के समक्ष हाजिर होने का अंतिम मौका दिया गया और कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षकों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और स्पष्ट रूप से खबर आ रही है कि लिखा है कि उनमें अररिया के 38, अरवल के 30, औरंगाबाद के 24, बांका के 52, बेगूसराय के 39, भागलपुर के 33, भोजपुर के 37, बक्सर के 29, दरभंगा के देख सकते हैं यहाँ पे 56, पूर्वी चंपारण के अलग अलग जगह से यहाँ पे लिखा गया है कि इतने अभ्यर्थी जो है वो शामिल हैं। तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है नवादा हो गया आपका, पूर्णिया हो गया, रोहतास हो गया और यहाँ पे लिखा है कि सर्टिफिकेट वहीं फर्जी रूप से पाए गए शिक्षकों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और स्पष्ट रूप से लिखा है कि 420 नियुक्त शिक्षक जो हैं भौतिक सत्यापन के लिए नहीं आए और लिखा है कि इसमें यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि भौतिक सत्यापन में शामिल नहीं होने वाले संबंधी 420 नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट कहीं फर्जी तो नहीं है। ये बात जो है वो सामने उभर के आ रही है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कन्या प्रसाद श्रीवास्तव जी से देख सकते हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में है। ये भी बात कही गई है, आप देख सकते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से 11वीं लिखा है यहाँ पे कि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में है, ये लिखा गया है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से खबर जो है वो आ रही है, देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि पत्र के माध्यम से 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा शामिल नहीं होने वाले छात्राओं के लिए 1 अप्रैल 2024 से 25 मई 2024 के बीच
विशेष कक्षाएं जो है वो संचालित की जाएगी। आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2024 से 24 से 15 मई 2024 की अवधि में, आप देख सकते हैं 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय परिसर में विशेष कक्षाएं जो है वो संचालित की जाएंगी। 10 बजे से 12 बजे तक परिवर्तित करते हुए पूर्वान 8 बजे से 10 बजे तक समय जो है वो कर दिया गया है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है और कहीं ना कहीं आपको गर्मी की छुट्टी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि विशेष कक्षाएं जो है वो संचालित कराई जाएंगी। तो इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।